नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीसी टेनिस क्लब में। मैं डीसी सियाल लेके आया हूँ आपके लिए EZone 98305। आप में से कुछ लोगों ने कहा था डीसी सर आपने रैकेट का रिव्यू हमें बताइए, रैकेट के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि टेनिस प्लेयर के लिए उसका रैकेट जैसे वो एडवांस होता जाता है काफ़ी पर्सनल चीज़ होती है। मैं खास करके इन रैकेट से पिछले 3 साल से खेल रहा हूँ, काफ़ी सेटिस्फाइड भी हूँ। तो मैं इस रैकेट के बारे में जो मुझे फील हुआ वो आपको कैसे शेयर कर सकता हूँ। 3 साल एक लॉन्ग पीरियड होता है, 3 साल में तो इंसान अपनी बीवी को समझने लगता है कि रैकेट रैकेट क्या चीज़ है। तो ये रैकेट अगर आप देखें 305 ग्राम है। मैंने इसको स्ट्रिंग किया हुआ है या टोरबाइट सोलिंग को टोरबाइट से, आप देख सकते हैं डैम्पर लगाया हुआ है और ओवर ग्रिप, ये ओवर ग्रिप अर्टेंगो से मैंने ली थी और डेकैथलन, सेम स्ट्रिंगिंग इसमें भी है राइट, और इसमें मैंने योनेक्स की ओवर ग्रिप लगाई है। अनस्टंग वेट आता है 305 और स्टिंग करने के बाद इस रैकेट का वेट मुझे मिला 337 ग्राम्स और इस रैकेट का वेट मुझे मिला 340 ग्राम्स। जो 3 ग्राम का डिफरेंस है वो मुझे लगता है कि जो योनेक्स वाली ग्रिप थी ना स्लाइटली हैवियर लग रही थी हाथ पे एज कम्पेयर टू डेकैथलन ग्रिप, वो रीज़न हो सकता है। अदरवाइज भी जो रैकेट्स में थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्टली 305 है तो एग्जैक्ट डॉट 305 नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे रैकेट्स टू रैकेट हो सकता है। तो ये तो रही बात स्ट्रिंगिंग की, बात करें तो इसमें स्ट्रिंगिंग पैटर्न है 16-19, तो इन दो कंजिक्यूटिव स्क्वायर बॉक्स के बीच में हल्का सा जगह ज़्यादा होने की वजह से बॉल को ग्रैब करने में और उसको स्पिन देने में ये रैकेट काफ़ी यूज़फुल है। स्पिन के साथ मुझे इसमें पावर भी मिला क्योंकि इसका आइसोमेट्रिक हेड साइज अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं इसको, और उसकी वजह से इसका जो स्वीट स्पॉट बोलते हैं सेंटर का एरिया जिस पे बॉल लगे तो बॉल आराम से उस निकल के जाए रैकेट से, तो वो थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू अदर रैकेट। तो वो भी एक वजह हो सकता है कि आपको बेस लाइन से दोनों इसमें पावर और स्पिन का कॉम्बो मिलता है जो कि काफ़ी सही है इंटरमीडिएट और एडवांस प्लेयर के लिए। अब बात करते हैं स्ट्रिंगिंग की। तो मैंने जो स्ट्रिंग ये कराया है अपने राजकुमार भैया, हमारे एक बहुत ही शानदार टेनिस कम्युनिटी को सर्व करने वाले राजकुमार जी जो कि एक शॉप चलाते हैं अपने DLTA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से एकदम अपोजिट में, तो वहाँ से मैंने कराया। और ये स्ट्रिंग विद स्ट्रिंगिंग 450 में दोनों रैकेट स्ट्रिंग हो गए थे विद प्रोफेशनल टोर बाइट स्ट्रिंग, ठीक है। तो आपको अगर करवाना हो तो आप वहाँ जाके कभी उनकी सर्विस ले सकते हो। और उनके बारे में ये भी है कि वो इन रैकेट्स का भी आपको अवेलेबल करवा देते हैं इक्विपमेंट्स, अगर आपको रैकेट चाहिए हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आजकल तो ऑनलाइन का टाइम है उसके लिए लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो लेकिन जेन्युइन प्रोडक्ट मिले वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो आप इसमें इस रैकेट के साथ एक कोड भी आता है, वो कोड आप ऑनलाइन जाके चेक भी कर सकते हो कि रैकेट जेन्युइन है कि नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस रैकेट का, मुझे जो पर्सनली लगा बेस लाइन से इसमें एफर्टलेस पावर आता है और पावर के साथ स्पिन भी आता है। सिर्फ बेस लाइन ही नहीं, अगर आप नेट सर्व एंड वॉली प्लेयर हैं तब भी इसका देखो हेडलाइट होने की वजह से आप देखेंगे हेडलाइट है, हेड ऊपर की तरफ जाता है, तो इस तरह के रैकेट्स को मैन्यूवर करना आसान रहता है, तो वॉली पे भी बहुत अच्छा फील इसमें मिलता है। तो मुझे वॉली में भी इस पर सेटिस्फाइड हूँ, सर्व में पंच मुझे मिलता है तो सर्व के लिए भी ठीक मुझे लगा, ग्राउंड स्ट्रोक के लिए भी ठीक लगा। तो इसीलिए मैं 3 साल से इसके साथ रहा हूँ जैसे बताया था 3 साल में जिस तरह से आप अपनी बीवी को समझने लगते हो मैं अपने रैकेट को समझने लग गया हूँ। और इसके बारे में क्या बता सकता हूँ मैं आपको, हाँ ये कहते हैं कि इसमें VDM है, VDM बोलते हैं वाइब्रेशन डैम्पनिंग मैश होता है, तो हाँ वाकई है क्योंकि मैं इसको 3 साल से कर रहा हूँ और मुझे कोई ऐसा वाइब्रेशन इस पर फील नहीं होता एक्स्ट्रा। जब बॉल ऑफ फ्रेम हिट होएगी तब ऑब्वियसली वाइब्रेशन लगेगा, झटका लगेगा, वो हर किसी रैकेट में लगेगा, लेकिन इसका स्वीट स्पॉट बड़ा है तो आपको वाइब्रेशन आपके हाथ में ज़्यादा नहीं ट्रांसफ़र होगा। और उसके लिए दूसरा मैंने इसका जो वाइब्रेशन डैम्पनिंग मैश है ना अराउंड दिस रैकेट फ्रेम, अभी भी 3 साल के बाद भी काफ़ी मुझे सही लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे दूसरे रैकेट की अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया वाइब्रेशन VDM टेक्नोलॉजी। और उसके अलावा एक और चीज़ ये इसमें बता रहे हैं
ये कह रहे हैं OPS टेक्नोलॉजी, जापानीज लोगों के पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है। OPS का क्या है, ये होता है ओवल प्रेस्ड शाफ्ट, ठीक है, और ग्रिप्स का वजह टोटल वेट, स्विंग वेट, हेडलाइट, है ना, सारा हो गया बेसिकली, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरा, कभी भी आप टेनिस रैकेट कोई ख़रीदते हो एज अ टेनिस प्लेयर, दिस इज़ माय बोनस एडवाइस फॉर यू, हमेशा ट्रायल करके ही खरीदिए। जिस भी डीलर से, जिस भी प्लेटफॉर्म से आप खरीद रहे हैं, उनके लिए ट्रायल के लिए रैकेट लेके आइए, उनको बोलिए हमें रैकेट खरीदते हैं, हमें ट्रायल दीजिए। हर कोई सेलर आपको दे देगा, उनके पास ट्रायल रैकेट होते हैं। आप एक हफ्ते के लिए हिट करिए, देखिए आपको कैसा फील हो रहा है, समझ आता है तो खरीदिए, नहीं तो आप दूसरे रैकेट को भी ट्राई कर सकते हैं, और अपने गेम के हिसाब से, अपनी फील के हिसाब से आप कोई भी रैकेट चूज कर सकते हैं। जो भी चूज करें, आई मीन टेक द डिसीजन देन मेक दैट डिसीजन राइट, ठीक है। आपको ये रिव्यू कैसा लगा हम लोगों का, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँगा दोस्तों, हम लोगों ने 500 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए होंगे, और ये 500 लोग वो हैं जो टेनिस फ्रेंडली, टेनिस क्रेजी, टेनिस पैशनेट, क्या बोला इनको, मतलब इनके टेनिस रन से इन देयर ब्लड। सो इफ़ यू वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, लाइक एंड सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा, नहीं तो ये फीड आपको मिलेगा नहीं। तो लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट में अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि जब दो माइंड भी मिलते हैं ना, ब्रेन स्टॉर्मिंग हो जाता है। और यहाँ पर तो हमारे पास इस कम्युनिटी में 500 सुपर ब्रेन हैं, जो टेनिस इंटेलेक्चुअल्स हैं। टेनिस रन्स नॉट ओनली इन देयर माइंड एंड हार्ट, इट रन्स इन देयर ब्लड। So to connect with these guys, like, subscribe, and I'll meet you in the next video. Till then, take care and keep playing. Bye-bye.